नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी अश्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि संतान के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मेरे 3 पार्ट्स इसमें ख़त्म हो चुके हैं और 4th पार्ट आज ये इसके ऊपर बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि यही बताया कि सप्तमांशा जो चार्ट होता है D7, जो कि एक राशि का 7वां भाग होता है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है चिल्ड्रन के बारे में देखने के लिए, और D1 चार्ट में चिल्ड्रन के बारे में प्रॉमिस कैसे देखें, D7 चार्ट में चिल्ड्रन के बारे में प्रॉमिस कैसे देखें। और उसके अलावा मैंने आपको उसमें 6 त्रिस्फुट और 20 फुट बताए। 20 फुट बताया था कि पुरुषों के लिए और 6 त्रिस्फुट बताया था KS जिसे बोलते हैं महिलाओं के लिए, कि अगर 20 फुट और 6 त्रिस्फुट, अगर 20 फुट आपके D1 चार्ट में, D7 चार्ट में और D9 चार्ट में, तीनों में अगर 3 में से एटलीस्ट 2 में अगर 20 फुट आपका वो ऑड साइन में आता है, तो मतलब ये है कि जो आदमी है वो बच्चा पैदा करने के कैपेबल है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 6 त्रिस्फुट जो आना चाहिए वो D1, D7 और या D9 में से 3 में से 2 में आना चाहिए, तो सब आएगा तो इवन नंबर आएगा तो वो भी महिला भी बच्चा पैदा करने योग्य होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि उससे भी देखते हैं, कुछ योग मैंने बताया कि उन योगों को देखें, अगर उसमें कुछ बाधक ग्रह हैं या वो योग नहीं बन पा रहे हैं तो चाइल्ड प्रॉमिस को थोड़ा डिले करते हैं या मना करते हैं, उसके बाद देखें कि 20 फुट 6 त्रिस फुट कैसी स्थिति में है, उनको देखने के बाद डिसाइड करें कि हाँ अब ये कह सकते हैं कि बच्चा होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी आपको हानि करनी है, अगर 20 फुट और 6 त्रिस फुट भी आपके ठीक नहीं आ रहे, उनका रिजल्ट भी आपको गड़बड़ दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई देता है कि आप माँ बाप नहीं माँ बन पाएंगे, चाइल्ड प्रॉमिस नहीं होता है, तो उसके लिए देखना ज़रूरी है संतान तिथि। ये एक जातक देशमार्ग में जो ग्रंथ है उसके अंदर ये दी गई है विधि, बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है ये। इस विधि से देखने के बाद ही आपको कहना चाहिए कि हाँ कि भाई अब योग भी बन रहे हैं संतान ना होने के, उसके अलावा 20 फुट और 6 त्रिस्फुट भी जो है नेगेटिव आ रहा है, और तीसरा संतान तिथि भी नेगेटिव आ रही है। जब संतान तिथि भी नेगेटिव आ जाए तब हम कह सकते हैं कि हाँ चाइल्ड प्रॉब्लम में, चाइल्ड प्रोग्रेनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि वो दोनों चीज़ें नेगेटिव आएँ, योग नेगेटिव आएँ और उसके अलावा आपका सप्तांशा में योग नेगेटिव आएँ, उसके अलावा आपका 20 फुट 6 त्रिस्फुट में योग नेगेटिव आए, पर इसके अंदर आपका योग अच्छा आ सकता है, संतान तिथि में अच्छा आ सकता है। तो ये संतान तिथि कैसे निकालते हैं ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ये वही एग्जांपल कुंडली है जो लगातार 3 वीडियो से चली आ रही है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। 17 जनवरी 1986 की है, 6:15 बजे की दिल्ली की, एक महिला की कुंडली है ये, तो ये इसको मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, इस कुंडली को वैसे का वैसे रखा है। ये D1 है, ये D7 है, हर ग्रह के जो D1 में जो ग्रह बैठे हैं उनकी सबकी डिग्रियाँ इसके अंदर दी हुई हैं, जिनका बहुत मेन उपयोग होता है। तो संतान तिथि कैसे निकालते हैं, संतान तिथि इसको ST मैंने बोला है, तो ST निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, चंद्रमा का भूगांश माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन इंटू ये लेने के बाद 5। पहले तो आप ये निकालिए कि देखिए लॉन्गिट्यूड ऑफ मून क्या है इस कुंडली के अंदर। आप देखें कुंडली का भूगांश चंद्रमा, चंद्रमा का मून कितना भूगांश है, चंद्रमा 12वीं राशि में है, मीन राशि में, इसका मतलब है कि 11 साइन पास चंद्रमा चल चुका है, और कितने डिग्री का है, 23 डिग्री 6 मिनट का, तो 23 डिग्री 6 मिनट का ये चंद्रमा की रात, चंद्रमा की वैल्यू हो गई, सॉरी इसको मिनट दिखाता हूँ मैं, 6 मिनट का ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आइए सूर्य का भूगांश, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, सन कहाँ पे है, सन इस राशि में कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि में है, इसका मतलब सन की राशि जो पार हो चुकी है वो 9 साइन पास हो चुके हैं, और सन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री 56 मिनट का है, तो ये 2 डिग्री 56 मिनट्स हो गया। अब लॉन्गिट्यूड ऑफ मून में से लॉन्गिट्यूड ऑफ सन माइनस कर दीजिए, ये जब आप माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गए 2, यानी 2 साइन पास ये आंसर रहा। यहाँ पे देखिए ये 6 है, 0 6 मिनट है, और यहाँ ये 56 मिनट है, तो माइनस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से
एक डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 मिनट के बराबर होती है। तो यहाँ पर जब एक डिग्री यहाँ ले आएंगे तो ये 66 मिनट हो जाएंगे, ये 56 मिनट है। तो 66 में से 56 गया, आपके 10 बचेंगे, ये 10 मिनट्स आपके बचे। और यहाँ पर चूँकि हमने डिग्री वहाँ ले गए थे तो यहाँ 22 बचे, 22 डिग्री बची। तो 22 डिग्री में से 2 डिग्री जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। तो जो वैल्यू आई इसकी वो आई है 2 sin 20° 10 मिनट। ये हमारी लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन आता है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इस वैल्यू को हम सारा ही डिग्री में चेंज कर लेते हैं। कैसे करें, 2 sin है, 1 sin कितने डिग्री का होता है, 30° का। तो 2 sin कितने हुए, 60°। तो ये 60° हो गया, ये 20° ऑलरेडी है, प्लस 20°, ये 10 मिनट है। 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, प्लस 10 मिनट को पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, 10 मिनट को 60 से डिवाइड करके। तो ये आपकी डिग्री आ जाएंगी, ये भी तो 60 + 20 = 80°। तो ये हो गया हमारा, प्लस 1/6। तो ये हमारी वैल्यू जो 1/6 की वैल्यू है, ये ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आप 1/6 को लेते हैं आपका तो 0.0645, तो मतलब ये आपका 0.10 के आगे 0.14 के 5 के अगेंस्ट में आ जाता है। तो 0.5 ये हो गया, 80 ये हो गया, तो ये 80.05, ये जो वैल्यू यहाँ पर निकाली है आपका, ये देख इसको एक बार और चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ये 10 में हमने 6 का भाग दिया तो यहाँ 4 बचे, तो ये 1 आ गया था। इसके बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गई, 66 + 36, तो 1.6 आ गया हमारा। तो ये 1/6 जो आ गया, ये 1.6 आ गया। अब 1.6 के लिए ये इसको 1.6 कर लेते हैं, तो ये 1.6° हो गया। अब 1.6° को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं 80° में, तो ये मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 81° के आसपास हमारा आ जाता है, इसको अगर से बराबर बराबर करें। अब 81° आया, उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करा इसको 81° को। तो जब 500 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई करने में ये हो जाएगा करीब आपका 5 × 5 = 40, 405 आ जाएगी फिगर, यानी 405°। ये फिगर हमारी आ गई है। अगर ये फिगर 360 से ज़्यादा हो तो इसमें से 360 माइनस करना है, अगर 360 से कम है तो कुछ माइनस नहीं कर रहा। तो 360 से ज़्यादा है फिगर ये वाली, तो 360 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बचा 5, और यहाँ 10 में से 6 गया, 4 हमारा बचा, यानी 45° हम लोगों का वैल्यू आ गई इसकी, इस फॉर्मूले की वैल्यू आई है 45°। अब 45° से तिथि बनाना चाहें अगर, तो तिथि कितने की होती है, एक तिथि होती है 12° के बराबर, ये आप लोगों को मालूम होगा कि एक तिथि होती है 12° के बराबर। तो क्योंकि चंद्रमा से एक तिथि बनती है और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, 30° की एक राशि होती है, तो 2.25 दिन से मतलब ये हुआ कि चंद्रमा आपका 12, एक दिन 12° चला तो 12, 12, 24 और फिर 6, मतलब आपका 30° करीब का वो पूरा चक्कर हो जाता है उसका। तो कहने का मतलब यह है कि एक तिथि हमारी जो होती है, 1 तिथि हमारी इक्वल टू होती है 12 डिग्री, क्योंकि टोटल मिला के 360 का सर्किल है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन आ जाएंगे। अब 30 दिन का मतलब ये हुआ 30 डेज हो गया, तो एक तिथि हमारी 12° के बराबर हो गई। अब एक तिथि 12° के बराबर हुई तो ये जो 45° की वैल्यू आई थी, यानी इसके बाद ये जो वैल्यू आई थी, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक तिथि 12° हो गई, इस वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं हम कि ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये है, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन करने के बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 12° से डिवाइड करा, तो वो फिगर जो हमारी वहाँ पर आई थी वो आई थी 41 करीब आई थी, 40.5 समथिंग थी, तो 41 ले लेते हैं, तो 41 करीब आई थी। अब इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें 41 को, तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो
तो ये थ्री पॉइंट समथिंग आएगा, थ्री पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब तीन तिथियां पूरी हो चुकी हैं, चौथी तिथि चल रही है, चौथी तिथि चल रही है। ये वाला हमारा मतलब इसका रिजल्ट आया कि तीन तिथियां पूरी हो चुकी हैं, चौथी तिथि चल रही है। अब ये चौथी तिथि कौन से पक्ष की चल रही है, क्योंकि यहाँ 15 से कम है तो ये शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि है, ये शुक्ल पक्ष की है, शुक्ल पक्ष। अगर ये 15 से ज़्यादा होता तो ये कृष्ण पक्ष बन जाता। ये आपको मालूम ही है कि 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। क्योंकि ये तिथि 15 से कम है, चार तिथि आ रही है, तो ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। तो सिद्धांत इसमें यह है कि अगर शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष को मैं लिख रहा हूं एसपी, अगर शुक्ल पक्ष आता है आपका पहली बार, तो चाइल्ड को संतान तिथि प्रॉमिस करती है कि चाइल्ड बच्चा होगा। अगर कृष्ण पक्ष आता है केपी, तो संतान तिथि कहती है कि बच्चा होगा, लेकिन डिफिकल्टी है बहुत इसके अंदर। इसमें मतलब मैं इसलिए इसको ये भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ कि मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, हो सकता है लेकिन डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कैसे हम लगाएं, तो क्योंकि इसमें शुक्ल पक्ष आ रहा है, तो शुक्ल पक्ष होने से सीधी बात ये हुई कि संतान तिथि ने ये वेरीफाई कर दिया कि चाइल्ड होगा। अब ये वेरीफाई जब संतान तिथि से हो गया, तो हमारा 20 फुट क्षेत्र सूट ने भी हमारा वेरीफाई किया था, वो भी तीन वर्गों में से दो वर्गों में इसके अंदर इवन राशि में आ रहे थे, उन्होंने भी इसको वेरीफाई किया था, और संतान तिथि ने भी इसको वेरीफाई कर दिया चूंकि शुक्ल पक्ष की तिथि है। अब मान लिया अगर कृष्ण पक्ष की तिथि होती तो क्या होता, और कृष्ण पक्ष में भी अगर तिथि होती 11 और 12, तो आप समझिए कि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि चिल्ड्रन की, चाइल्ड की कोई उम्मीद नहीं है। अगर 11 और 12 तिथि पड़ जाए कृष्ण पक्ष की, यहाँ पे आंसर 11 या 12 आता, और सॉरी कृष्ण पक्ष का आता, कृष्ण पक्ष का मतलब 15, 11, 26 या 15, 12, 27 यहाँ पर कोई आंसर होता, तो उस केस में आपकी तिथि जो है कृष्ण पक्ष की, उस केस में ये बिल्कुल वेरीफाई करती है कि संतान के योग नहीं बन रहे हैं। तो ये देखना भी ज़रूरी है कि कृष्ण पक्ष में संतान तो होने के चांसेस होते हैं, लेकिन होने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। बट अगर 11-12 तारीख हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ है संतान तिथि के बारे में। तो संतान तिथि निकालने के लिए, संतान तिथि के बाद ही हम लोग किसी से कह सकते हैं कि चाइल्ड के योग हैं कुंडली में या नहीं है। पहले हम संतान तिथि निकालने के लिए मैंने बताया कि संतान तिथि का फार्मूला है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, चंद्रमा का जो भूगांश है वो लिख लीजिए, माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन लिख लीजिए, और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय 12 कीजिए। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून निकाल लीजिए, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून आपका हो गया यहाँ पे, ये 12वें साइन के अंदर है मून आपका, तो 11 sin 5 23° 6' हो गया। इसी प्रकार से सन का जो लॉन्गिट्यूड हो गया, सन 10वीं राशि में है, मकर राशि में, तो 9 sin 5 हमारा ये हो गया, और उसमें से 2° 56' का हमारा सूरज हो गया। तो माइनस कर लिया, उस माइनस करके सारी फिगर को डिग्री में चेंज कर लिया, 1 sin में 30° होते हैं, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर आया उसमें से अगर वो 360 से ज़्यादा है तो 360 माइनस कर दिए, अगर 360 से कम है तो उसको एज इट इज रहने दिया, क्योंकि जो इससे फिगर आई थी 400 कुछ आई थी, तो 360 से ज़्यादा था इसलिए हमने उसमें से 360 माइनस कर दिया था, और माइनस करने के बाद जो हमारी पूरी फिगर करीब 40 के आसपास रह गई थी, उसको जब हमने 12 से डिवाइड किया, चूँकि 12 की डिग्री की एक तिथि होती है, जब 12 से डिवाइड किया तो 3 point something आता है। इसका मतलब तीन तिथि निकल चुकी हैं, चौथी तिथि चल रही है, तो शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि है, क्योंकि 15 से ये कम है इसलिए शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि ये है। इसलिए ये कुंडली बताती है कि इसके अंदर संतान के योग हैं, वेरीफाई करती है। तो आशा करता हूँ ये आपको संतान तिथि का प्रोसीजर समझ आया होगा। कोई चीज़ में आपको फिर भी ना समझ आए तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताऊंगा। अभी संतान का ही चैप्टर चल रहा है जो अभी 2-3 वीडियोस में और चलेगा, उसके बाद जब आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे शुरू से, उसके बाद आप बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगे निकालने के लिए कि संतान कब होगी, कैसी होगी, मेल होगी, फीमेल होगी, वो सब चीज़ निकालने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू Part 1 से ही देखना है, अगर आप बीच में से देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि मेरा हौसला अफजाई बनी रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियो शेयर करने की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।